हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहाँ पे आपको स्कूल कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जो रिसेंटली 10th क्लास को पास करके 11th में जाने वाले हैं। एंड वहाँ पर जाने के बाद उनके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अब उन्हें कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, क्या उन्हें आर्ट्स लेना चाहिए या फिर उन्हें कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर साइंस लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम टोटली क्लियर कर देंगे कि क्या आपके लिए बेटर होगा लेना और कौन से स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये एक वो मोड होता है जहाँ पे आपका पूरा फ्यूचर एंड गोल डिपेंड करता है कि आपने क्या सब्जेक्ट चुना है। आपने अगर रॉन्ग डिसीजन लिया या फिर आपने कोई गलत स्ट्रीम चूज कर ली तो वो आपके फ्यूचर को काफ़ी इफेक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रीम चूज करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपका फ्यूचर तय होता है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सभी अपडेट्स मिलती रहें, वीडियो मिलती रहें। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोई भी स्ट्रीम ख़राब नहीं होती, चाहे आप आर्ट्स लीजिए, चाहे कॉमर्स लीजिए, चाहे साइंस लीजिए। सभी फील्ड के अपने अपने फ्यूचर गोल्स होते हैं एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम चूज करते हैं, चाहे आप आर्ट्स ही चूज करते हैं, तो आप आर्ट्स में भी काफ़ी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आर्ट्स किन स्टूडेंट्स को लेनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आर्ट्स लेना या फिर कॉमर्स लेना या फिर साइंस लेना, ये आपके हाथ में नहीं होता। ये मैटर करता है आपकी 10th की परसेंटेज क्या है, उसी हिसाब से आपको आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम दी जाती है। बट अगर आपके 10th में मार्क्स अच्छे हैं तो आपके हाथ में ये होता है कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, या आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्स लेना चाहते हैं। अप टू योर इंटरेस्ट कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है उस टाइम की जब आपकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। और देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट्स का कॉमर्स बैकग्राउंड यानी मैथ, साइंस वगैरह ये सब सब्जेक्ट अच्छे नहीं होते, इन सब में उनकी कमांड अच्छी नहीं होती, तो उन स्टूडेंट को डेफिनेटली आर्ट्स ही लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो मैथ्स देखने को मिलती है और ना ही किसी प्रकार की कोई साइंस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सोशल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स मिल सकती है और इंग्लिश मिल सकती है। तो आई होप कि आप इंग्लिश या इकोनॉमिक्स तो आप हैंडल कर ही सकते हैं, बट अगर आप स्टिल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स भी हैंडल नहीं कर सकते तो वहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन होता है संस्कृत का। तो आप वहाँ पे आर्ट्स में संस्कृत ले सकते हैं और वहाँ पे इजीली पास हो सकते हैं। दोस्तों, आर्ट्स लेने के बाद आपके लिए नौकरी के काफ़ी सारे अवसर खुल जाते हैं, जैसे कि आप IAS, IPS ये जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने ये सोच रखा है कि फ्यूचर में आपको सोशल स्टडीज़ का TGT टीचर बनना है या फिर आगे जाकर PGT टीचर बनना है, तो आपको आज आर्ट्स ही लेनी चाहिए कि ये आपको सोशल स्टडीज़ के टीचर बनने में काफ़ी मदद करेगा। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना है, क्योंकि अगर आपका उस सब्जेक्ट में, उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं एंड उस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से अपने आप को नहीं निखार पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो भी चुनना हो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनिए। अगर आपको कॉमर्स यानी कि मैथ्स वगैरह सब अच्छी लगती है सब्जेक्ट, तो वह आपको कॉमर्स ही लेना चाहिए। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपको साइंस अच्छी लगती है तो आपको साइंस लेना चाहिए। और अगर आपको फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर जैसी फील्डों में जाना तो आपको डेफिनेटली साइंस के थ्रू ही जाना चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स को लेकर आप आगे सेल्स की लाइन में जा सकते हैं या फिर मैनेजर, CA वगैरह ये सब कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स का ओपन ग्राउंड होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट दोस्तों, आगे अगर फ्यूचर में जॉब के रिगार्डिंग अगर देखें कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, तो वहां पे आपको कोई भी सब्जेक्ट काम नहीं आने वाला इंस्टेड ऑफ योर नॉलेज। वहां पे आपकी नॉलेज ही काम आएगी, जितने भी आपने नॉलेज गेन करी है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आपने साइंस लियो, कॉमर्स लियो, आर्ट्स लियो, वहां पे आपकी ये स्ट्रीम काम नहीं करने वाली। क्योंकि वहां पे ओपन कॉम्पिटिशन होता है, वहां पे सभी चीजें पूछी जाती है, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं या फिर साइंस के। वहां पे आपको साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहां पे आपको कॉमर्स के पूछे जाते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहां पे सबके आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको इक्वली करना पड़ता है। तो इसलिए आप ये ना समझे कि अगर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो आपका कंपटीशन कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। आपका कंपटीशन आगे लाइफ में बराबर ही रहने वाला है, सभी के साथ रहने वाला है। तो इसलिए आपको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है कि आप आगे कॉम्पिटिशन दूसरों को दे सके। ये नहीं कि आप अभी आर्ट्स ले रहे हैं तो
तो आपका कंपटीशन आगे कम होने वाला है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि आपको अपना सब्जेक्ट किस बेसिस पे चुनना है या कैसे आपको चुनना है या कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आपको अपना सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेना है, अपने फ्यूचर को देखते हुए लेना है कि आगे मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो उसी हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। आपको आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेना है या फिर साइंस लेना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।